Hello students, so today we will discuss a question of class 10th and it's from topic arithmetic progression. So the question is that find n if nth term of the following sequence is 68. So हमें sequence given है यहाँ पर दिखेंगे हम यहाँ पर 5, 8, 11 and 14 and so on. So हम अगर यहाँ पर देखें 8 minus 5 is equal to comes out to be 3 and 11 minus 8 यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 14 minus 11 भी 3 आ रहा है. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म हमारे पास दिख रही है a यहाँ पर आ जाएगा 5n जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो देख सकते हैं आप 3 हमें निकाला है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो एक AP में है. तो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो हम जानते हैं nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो n तक दी गई होगी 68. तो a हमारा यहाँ पर है 5 एंड n माइनस 1 एज इट इज एंड d की वैल्यू हमें पता है 3. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3n माइनस 1 इज इक्वल टू 68 माइनस 5. तो दिस कम्स आउट टू बी n माइनस 1 इज इक्वल टू 63 बाय 3. तो यहाँ से जो हमारा n माइनस 1 आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 21. तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 प्लस 1. तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 22 जो हमें फाइंड करनी थी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल हमसे.